हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ब्लॉक और द अप्लाइड फिजोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट सो लेट्स बिगिन जब हम हार्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि देर इज सम ब्लॉकेज इन हार्ट नाउ वेयर कैन द ब्लॉकेज बी क्या ये ब्लॉकेज हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई के अंदर है नॉट एट ऑल क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ देर इज अ ब्लॉकेज इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट देन इट लीड्स टू इसमिया हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस इंफॉक्शन एंड सो ऑन है ना तो डेफिनेटली यहां पर जो ब्लॉक है ये हमारे हार्ट के ब्लड सप्लाई के अंदर नहीं है देन द क्वेश्चन इज वेयर द ब्लॉक इज सो वेन वी डिफाइन द हार्ट ब्लॉक इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज ड्यू टू ब्लॉक इन इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ द हार्ट है ना तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल पाथवे है जो कि नव इंपल्सिस को कंडक्ट करता है फ्रॉम द एट्रियम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दिस कंडक्टिंग सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट ऐसे नोट देन एवी नोट देन इन बिटवीन Interventricular septum that is AV bundle. Then this AV bundle divides into right bundle branch and left bundle.

ज द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एम एम अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा ब्लड एट्रीएम से पंप होकर एंडल इन द इंट्राट्रिकुलर से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होती है एंड दे ट्रेवल इन द इंट्रावेंकुलर सेप्टम एंड फाइनली रीचेज दी फाइबर्स और जब ये पुरकिन के अपेक्स से आकर पूरा लेटरली ये फैल जाती हैं देन इट कॉज इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट नाउ अब इस पूरे पाथवे में कहीं भी कोई ब्लॉकेज होगा उसको हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक दैट इज द ब्लॉक इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट दे इज अनदर डेफिनेशन

देर इज स्लोइंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है जिस स्पीड से ट्रैवल होना चाहिए उस स्पीड में वो ट्रैवल नहीं हो रहा दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज लो स्लो एंड द सेकेंड इज द कम्प्लीट इनएबिलिटी टू कंडक्ट है ना तो सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी इंपल्स है वो बिल्कुल भी कंडक्ट ही नहीं हो रही है आगे वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है ठीक नाउ इज अ वेव विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर The, electri the electrical activity of the heart is represented in the form of wave which is P, Q, R, S and T. Okay? When the impulses reach from atrium to ventricles there is the origin of the P wave. When the impulses reach from the AV bundle to whole of the

usually it is about 0.13 to 0.16 seconds okay and impulses transmission through the av node to the AV bundle next we come to the causes of heart block now it includes the coronary artery disease और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन अगर हमारे मायोकार्डियम को डैमेज होता है तो क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है सो देयर अकर डैमेज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ऑल्सो द सेकेंड इज द इन्फ्लोमेशन ऑफ द हार्ट द थर्ड इज कार्डियो मायोपैथीज मसल पैथीज मीन्स डिजीज है ना तो कोई भी हमारे कार्डिक मसल से रिलेटेड डिजीजेज फोर्थ इज हार्ट अटैक Fifth is certain surgeries that affect this. The last is hypokalemia, that is the decrease in potassium concentration in the blood. Now, depending upon the location where the blockage is, the blocks are categorized into sinoatrial nodal block, that is SA nodal block, atrioventricular nodal block, that is AV block, bundle branch block, that is right and left bundle branch block, and finally, arborization and fascicular block. अब अगर पहला वाला हम देखते हैं अगर ब्लॉक ऐसे नोट के अंदर है तो द ऐसे नोट फेल्स टू तो जनरेट द एम्पल्स एंड द होल हार्ट मिसेस वन बीट है ना तो इम्पल्स ऐसे नोट से जनरेट नहीं होगी और इसकी वजह से जो एटर में हमारा उसका कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हो सकती हैं एक तो जो ऐसे नोट है वो इम्पल्स को जनरेट ही ना करे दैट इज एट द रेट ऑफ सेवेंटी टू एटी बीट्स पर मिनट ठीक है दूसरा हो सकता है कि तो कर रहा है बट ये जो इंटर नोडल पाथवे है इसमें प्रॉब्लम है और यह इम्पल्स केस इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैनो एट्रियल ब्लॉक दैट इज वेन द इम्पल्स फेल्स टू जनरेट फ्रॉम एस ए नोड टू एंड है हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक वेयर द ब्लॉक इज एट द पॉइंट ऑफ ए वी इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे डिटेल में तीसरा है हमारा बंडल ब्रांच ब्लॉक तो अगर हमारे बंडल ब्रांच में प्रॉब्लम है ठीक right है example, block, right अगर राइट बंडल ब्रांच में प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ ब्लॉक देन इट इज कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे नाउ जब हमारे इंपल्स वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करती हैं तो दोनों वेंट्रिकल्स हमारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना अब अगर मान लीजिए ब्लॉकेज हमारे राइट बंडल ब्रांच में है एंड दिस वन इज एब्सोलूटली नॉर्मल तो क्या होगा हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये तो नॉर्मल रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है ये स्लो होगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो आपस में सिंक्रो, सिंक्रोनोसिटी है वो नहीं हो पाएगी दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे दैट दैट इज द प्रॉब्लम विद द बंडल ब्रांच ब्लॉक ठीक है और ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है अगर हम इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो वो कैसा होगा

एवी नोट दिस इज द एरिया वेर द प्रॉब इन टू फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो देर इज ब्लॉक एट द लेवल ऑफ एवी नोट ब्लॉक तो खैर तीनों में ही तीनों ही डिग्री में जो ब्लॉक है इट इज एट द लेवल ऑफ एवी नोट बट

तो हमारा जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, uh, है, है, no है लेकिन अगर हमने इस केस uh, यहां पर ध्यान नहीं दिया सो इट मे प्रोग्रेस टू द सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक नाउ वेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इट इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज टाइप वन एंड टाइप टू है ना तो टाइप वन हाँ एवी ब्लॉक को हम मोबेट्स टाइप वन एवी ब्लॉक या फिर वैंकी बैक ब्लॉक भी बोलते हैं इसमें बेसिकली द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर डिलेट फर्दर एंड फर्दर विथ ईच हार्ट बीट एंटेल अ हार्ट मिसेज वन बीट कम्प्लीटली है ना तो हम यहां पर देख रहे हैं यहाँ पर नीचे ई सी जी का रिकॉर्ड है इसमें दिस इज द दियर इंटरवेल तो यहाँ पर पीयर इंटरवेल थोड़ा सा छोटा है इन द नेक्स्ट केस इट इज मोर प्रोलोंग्ड देन इन द नेक्स्ट इज इट इज फर्दर प्रोलोंग एंटेल अ पॉइंट इज रीच्ड वेन द हार्ट मिसेज वन बीट है ना इस बीट को हम बोलते हैं ड्रॉप्ड बीट है, है ना अब यहां पर एक बीट हमारी मिस हो गई है ठीक है तो हर बार जब इम्पल्स एवी नोट से आगे वेंट्रकल्स में ट्रांसमिट होती है तो ईच टाइम इट बिकम स्लो देन मोर स्लोन मोर स्लो एंडिल इट द हार्ट मिसेज वन बीट ठीक है अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो साइंस एंड सिम्टम्स आर यूजुअली माइल्ड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं इसमें इसलिए अगर जो ट्रीटमेंट है इट डिपेंड्स अगर इट इज यूजुअली नॉट मच रिक्वायर्ड ठीक है और अगर यहां पर भी हम डायग्नोस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं देन द डिजीज कैन प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इसमें जो इंपल्स हैं एवी नोट से जब वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट होती हैं, तो डिले होती हैं जब तक कि एक बीट हमारी मिस नहीं हो जाती बट वंस देर इज अ ड्रॉप्ड बीट द साइकिल रिपीट्स एंड देर इज अ नॉर्मल इसीजी पैटर्न नाउ इन मोबिट स्टेप टू ब्लॉक सम ऑफ द इम्पल्स ड नॉट रीच द वेंट्रिकल एट ऑल है ना तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर एवी नोट से इम्पल्स में कोई डीले नहीं हो रहा है लेकिन कुछ इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाती हैं तो इस केस में अगर हम देखेंगे द पियर इंटरवेल इज नॉर्मल एंड कॉन्स्टेंट यू कैन सी इन द डायग्राम नाउ दिस इज द पियर इंटरवेल एवरी टाइम इट इज कॉन्स्टेंट बट ओकेजनली अ ड्रॉप्ड बीट इज सीन या ड्रॉप्ड बीट क्या इंडिकेट कर रही है इट इज़ इंडिकेटिंग दैट द इम्पल्स हैज नॉट रीच द वेंट्रिकल एट ऑल ठीक है तो अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो दे आर प्रेजेंट एंड हेयर दिस इज मोर डेंजरस दैन टाइप वन है ना टाइप वन के कम्पेरिजन में क्योंकि सिम्टम्स हैं तो ये ज़्यादा डेंजरस है ट्रीटमेंट इट रूको एज अ आर्टिफिशियल पेस मेकर आर्टिफिशियल पेस मेकर कुछ मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो कि हार्ट में इम्प्लांट किए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियली हार्ट रेट को डिटर्मिन करते हैं ठीक है एंड इफ नॉट ट्रीटेड वेल दैट इट कैन प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक नाउ द लास्ट वन इज द थर्ड डिग्री ए वी ब्लॉक विच इज कॉल्ड एज कम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है ना अब इसमें बेसिकली जो इम्पलसेज हैं ये एट्रम से वेंट्रको तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं एंड दिस वन इज वेरी डेंजरस बिकॉज

द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इट इज ब्रॉड क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है बहुत स्लोली बीट कर रहे हैं एंड देर इज कम्पलीट डिसोसिएशन बिटवीन द पी वे पी वेव एंड द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्योंकि एट्रम और वेंट्रिकल्स के बीच का आपस में तालमेल है ये बिल्कुल बिगड़ चुका है ठीक है वेन वी कम टू साइंस एंड सिम्टम्स तो इसमें बहुत प्रोमिनेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड वेन वी कम टू ट्रीटमेंट ऑफकोर्स दिस कंडीशन इज डेंजरस एंड इट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल पीसमेकर इज रिक्वायर्ड एंड कार्डिक मॉनिटरिंग इज मस्ट सो आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग